हेलो किड्स हाउ आर यू ऑल वेलकम टू माई चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज शॉर्ट डिवीजन मेथड आप सबको पता है कि अभी डिवीजन का टॉपिक चल रहा है ऑन डेली बेसिस आई एम अपलोडिंग वेरियस टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर डिविजन नाउ टूडे वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन शॉर्ट डिविजन मेथड अब देखो बेटा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये शॉर्ट डिवीजन है जो क्विक मेथड है जो जल्दी होगा

हम जो सप्ट्रैक्शन का स्टेप है वो हम शो नहीं करेंगे वो हम माइंड में करेंगे लेट एस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू द शॉर्ट डिविजन मेथड यहां मैंने अभी आपके लिए थ्री सम्स लिए हैं जो थोड़े ईजी हैं देन विल जम्प ऑन टू फोर डिजिट पहले हम ये थ्री डिजिट वाले डिविडेंट समझते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर शॉर्ट डिवीजन मेथड द सिंपल द सिम्पल इज लिटिल बिट रिवर्स्ड अब यहाँ पे ये आपका इस तरह से सिंबल होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड का डिविडेंट इज रिटन हेयर डिवाइजर हेयर सो नाउ द फर्स्ट डिजिट कॉन्सेप्ट वही रहता है बेटे टू सो द डिवाइजर इज टू वेन डू वी हैव टू इन इन टू स्टेबल टू वन ज टू सो यहां हम क्वेश्चन लिखते हैं सो टू वन ज टू सो टू माइनस टू इज जीरो ये वाला स्टेप आपने टू माइनस टू आपने अपने माइंड में किया है ऑल राइट सो दिस इज डन लेट्स मूव अहेड विथ फोर नाउ वेन डू वी हैव फोर इन टू स्टेबल फोर माइंड में फोर माइनस फोर इज जीरो सो दैट इज डन, नाउ कौन सा डिजिट बचा हमारे डिविडेंड का सिक्स सो टू थ्री इज अस एंड सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो सो हियर योर क्वेस्ट इज वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री एंड रिमाइंडर वेरी गुड जीरो आई होप यू हैव गॉट लेट्स से सिक्सटी परसेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट शॉर्ट डिविजन मेथड इज अब बाकी सिक्सटी परसेंट हम ये बी पार्ट से कंप्लीट करते हैं लेट्स डू वन मोर सम अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया यू पॉज द वीडियो आप अपने आप अटेम्प्ट करिए एंड देन यू प्ले द वीडियो एंड चेक वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड अब देखो ये वाला थोड़ा ट्रिकी है अब यहां हमारा फर्स्ट डिजिट फाइव है द डिवाइजर इज थ्री सो वी डोंट हैव फाइव इन थ्री स्टेबल बट जस्ट स्मॉलर कौन सा नंबर आता है यस थ्री वनज आर थ्री Now, बेटे फाइव माइनस थ्री इन योर माइंड वॉट इज इट टू सो जो फाइव माइनस थ्री डिफरेंस टू आया बेटे दिस वी कैरिड फॉरवर्ड कैरिट फॉरवर्ड मीन्स कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नंबर नाउ टू और सिक्स क्या बन गया ट्वेंटी सिक्स दिस इज द ओनली ट्रिक आपको ये आपको क्या करना माइंड में सब्ट्रेक्शन करके नाउ वी हैव गॉट डिफरेंस ए पार्ट में क्या हुआ था डिफरेंस हमारा जीरो आ रहा था हर एक डिविडेंड में लेकिन यहां पे क्या हुआ है फाइव माइनस थ्री इज टू सो नाउ वी हैव ट्वेंटी सिक्स नाउ डू वी हैव ट्वेंटी सिक्स एन थ्री टेबल नो विच इज जस्ट स्मॉलर दैट कम्स ट्वेंटी फोर वेरी गुड सो थ्री एट ट्वेंटी फोर सो नाउ इन योर माइंड ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर वेरी गुड अगेन वी हैव द रि द डिफरेंस एज टू ना अब क्या नंबर बन गया ये ट्वेंटी एट सो अगेन वी हैव थ्री टाइम्स एट इज ट्वेंटी फोर थ्री टाइम्स नाइन इज ट्वेंटी सेवन तो नाइन लिखा हमने एंड देन ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी सेवन इज वन तो ये हमारा क्या हो गया रिमेंडर वन एंड द क्वेश्चन इज वन हंड्रेड एटी नाइन सी आई टेल यू किट्स जैसे ये मैम ने माइंड में किया है मैम ने बहुत प्रैक्टिस करिए बहुत बार पढ़ाया तो मैम के लिए ईजी है बट टू स्टार्ट विथ फॉर यू पीपल अगर आपको ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर माइंड में शुरू में नहीं हो रहा है यू कैन ऑलवेज मेक अ रफ वर्क कॉलम मेक अ रफ वर्क कॉलम जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है सो हेयर लाइक दिस क्या क्या मैम ने ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर टू सो टू आपने यहां लिख दिया सो यू कैन ऑलवेज है इन मैथमेटिक्स सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस आई होप जिन बच्चों ने पॉज करके अटेम्प्ट किया आई होप यू हैव गॉट इट करेक्ट कुछ गलत भी हुआ है तो आपको अब समझ आ गया होगा लेट्स मूव ऑन टू सी पार्ट फाइव हंड्रेड फोर्टी टू इज अवर डिविडेंट एंड फोर इज अवर डिवाइज नाउ बहुत ईजी है फाइव है तो आप क्या करोगे फोर वन आर फोर वेरी गुड तो फोर वन आर फोर फाइव माइनस फोर इन माई माइंड बहुत आसान है है ना फाइव माइनस फोर इज वन सो वन एंड फोर क्या बन गया फोर्टीन वन और फोर क्या बन गया आपका फोर्टीन सो फोर की टेबल में डू वी हैव फोर्टीन नो बट वी डू हैव जब हम फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट ट्वेल्व सो नाउ फोर्टीन माइनस ट्वेल्व टू वेरी गुड सो यहाँ आपका आ गया टू Now we have 22. Of course, we don't have 22, but we have 20. Very good. So, 4 5s are 20. So, 22 minus 20 is 22 minus 20 is 2. So, my remainder is 2. And my question is 135. Now, here I have some more questions. बट नाओ राइट नाउ वी हैव फोर डिजिट डिविडेंस अब बेटे जैसे मैं हर बार बोलती हूँ बी इट थ्री डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर या सेवन डिजिट नंबर द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम चाहे आपका नंबर आपको देखने में डर लगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहता है सेम रहता है जहाँ मेरा शॉर्ट डिविजन यहाँ खत्म हुआ था वो अब एक और डिजिट बढ़ गया देट सेट

ना थर्टी एट तो नहीं आता है भाई फ़ोर की टेबल में तो जस्ट स्मॉलर क्या आता है यस फोर नाइन ज़ार थर्टी सिक्स नाव थर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स टू ओ यस ट्वेंटी वी हैव ट्वेंटी इन फोर टेबल फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी सो नाओ इट इज़ जीरो सो अब मेरे पास सिक्स बचा है सिक्स इज ग्रेटर देन फोर तो फोर वन ज़ार 4 6 minus 4 is 2. So, my question and remainder question here is 1951, and here my remainder is 6 minus 4 is 2. I hope you have understood, and now I would again suggest you pause the video.

सो थर्टी वन माइनस थर्टी इज हमारा वन डिफरेंस बचा है सो वन विल बी रिटर्न हेयर इट बिकेम फिफ्टीन नॉ फिफ्टीन इज नॉट देर इन सिक्स टेबल सिक्स वन जिक्स सिक्स टू ज ट्वेल्व नॉ फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व इज थ्री सो थ्री आपका यहाँ आ गया Six times four इज़ twenty-four. Six times five इज absolutely thirty. तो हम यहाँ पे फाइव लिखेंगे नॉट वेरी इजी बेटे थर्टी थ्री माइनस थर्टी काउंटिंग में येस द डिफरेंस इज थ्री और जो मेरा डिफरेंस आया वही मेरा क्या आ गया रिमाइंडर एंड माई क्वेश्चन इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव Very good, kids. Last one, let's do it now. Here, see, 4 is smaller than 9, so we won't be able to divide 4, right? So, I will take 42. Now, 42, let's check 9's table. 9 1's are 9, 9 2's are 18, 9 3's are 27, 9 4's are 36. Nine फाइव ज़ार forty five. Now forty five इज़ ग्रेटर देन forty two, सो आई विल टेक nine fours four four, are. अब बेटा आपने देखा मैम ने फोर कहाँ लिखा है मैम ने फोर टू के नीचे लिखा है वाई बिकॉज वी आर यूजिंग दीज टू डिजिट्स तो आप फोर टू के नीचे लिखोगे नाउ नाइन फोर जार थर्टी सिक्स चलो रफ वर्क करते हैं फोर्टी टू माइनस थर्टी सिक्स सिक्स राइट और सिक्स कहाँ आ गया आपका यहाँ आ गया एट के साथ तो अब ये नंबर क्या बन गया है सिक्सटी एट नाउ आई नो नाइन सेवन ज़ार सिक्सटी थ्री तो हेयर नाइन सेवन ज़ार सिक्सटी एट माइनस सिक्सटी थ्री फाइव नाउ फिफ्टी फोर सोचो सोचो नाइन फाइव ज़ार फोर्टी फाइव नाइन सिक्स जार फिफ्टी फोर वेरी गुड सो हेयर फिफ्टी फोर माइनस फिफ्टी फोर इज ज़ीरो So, my remainder is 0 and my question is 476. So, I hope kids you had a great time learning this method, short division method. Any confusion, do let me know in the chat box. And if you have understood, you have got all the correct answers, put a thumbs up. Good day. Bye.